और आइए चलते हैं बॉलीवुड की कुछ खबरों की ओर। सोनाक्षी ना इन दिनों अपनी अगले फिल्म दबंग 3 की शूटिंग में व्यस्त है और आगामी दिनों में उनकी करम फिल्म रिलीज होने वाली है, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा ने घर वालों को लेकर एक खुलासा किया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। सोनाक्षी सिन्हा ने बताया कि उनके पेरेंट्स, भाई और रिश्तेदार उन्हें कभी भी एक स्टार वाला ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं हमेशा वही करती हूँ जो मुझे पसंद है। मैं अपनी हर फिल्म में उस प्रकार काम करती हूँ जैसे कि वो मेरी ही फिल्म है। मेरे लिए मेरी हर फिल्म नई होती है। मैं फिल्म में अपने कैरेक्टर के बारे में जानने की कोशिश करती हूँ, किरदार को समझने और उसके अंदर जाने का प्रयास करती हूँ जिससे कि वह बड़े पर्दे पर बनावटी न लगे। सोनाक्षी ने आगे बताया कि कलंक मेरी इस साल की पहली फिल्म है। इसके बाद मेरी और 3 फिल्में आने वाली है। इन सभी फिल्मों में मेरे किरदार एक दूसरे से काफ़ी अलग है। फिल्म कलंक से महिला दिवस 8 मार्च को सोनाक्षी सिन्हा का लुक आउट किया गया था। करण जौहर की फिल्म कलंक ने सोनाक्षी सिन्हा का शानदार लुक दर्शकों ने पसंद किया था। सोनाक्षी सिन्हा ने अपने इस लुक को ट्विटर पर शेयर किया था। इसके साथ उन्होंने कैप्शन में उनकी भूमिका और उसके बारे में भी जानकारी दी थी। सोनाक्षी ने बताया कि वे इस फिल्म में सत्या की भूमिका में नजर आएगी। सोनाक्षी ने लिखा कि प्यार, अखंडता और त्याग का मतलब सत्य होता है। इसके साथ कुछ दिन पहले सोनाक्षी ने दबंग 3 की शूटिंग शुरू की थी। इस फिल्म में भी उनका लुक जब पहली बार सामने आया तो दर्शकों ने इसे पसंद किया था। ऐसी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए khamasan.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।